जया के शौहर के मरने के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी जया पर आ गई। वो अब एक कामवाली का काम कर रही थी। वो सुबह 7 बजे घर से निकलती, बच्चों को स्कूल छोड़ती और फिर सेठ तिजोरी मल के घर काम करती। हर रोज दोपहर 3 बजे वो बच्चों को स्कूल से वापस लेने चली जाती। माँ ये देखो, मुझे आज फुल मार्क्स मिले हैं। मुझे भी। अरे वाह, बहुत अच्छे। आज तो तुम दोनों की आइसक्रीम बनती है। हम आइसक्रीम खाएंगे। आइसक्रीम का नाम सुनते ही बच्चे खुश हो गए। चलिए आइसक्रीम खाने। अरे अरे रुको, अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सेठ जी के यहाँ थोड़ा काम बचा है, 1 घंटे में सारा काम पूरा हो जाएगा, फिर मैं तुम दोनों को आइसक्रीम खिलाने ले चलूंगी। तब तक हम दोनों कहाँ रहेंगे? तुम दोनों घर के बाहर खेलना, मैं फट से अपना काम खत्म कर लूंगी, फिर चलते हैं। ठीक है माँ। बच्चे जया के साथ सेठ जी के घर गए और घर के बाहर वाले गार्डन में खेलने लगे। दोनों बहुत खुश थे। कुछ देर बाद सेठ जी की कार गेट से अंदर आई। कार के अंदर सेठ जी और उनका बेटा रवि था। रवि के हाथों में पटाखों का बड़ा सा डिब्बा था और रवि बहुत खुश था। पापा ये सारे पटाखे मैं दिवाली में जलाऊंगा। हाँ हाँ सारे जला देना, और कम पड़े तो मैं और ले आऊंगा, ठीक है? सेठ जी और उनके बेटे रवि की ये बातें किशोर और जया सुन रहे थे। वो दोनों अंदर चले गए और दिया और किशोर बातें करने लगते हैं। भैया दिवाली में हम भी पटाखे जलाएंगे ना? हाँ पर क्या? क्या माँ के पास पटाखों के लिए पैसे होंगे? पता नहीं। दोनों बच्चे सोचने लगे कि क्या उन्हें इस साल पटाखे मिलेंगे। तभी उनकी माँ जया काम खत्म करके लौटी। क्या हुआ? कुछ नहीं माँ। तुम दोनों किस ख्याल में डूबे हुए हो? ओ अम्मी आप हमें आइसक्रीम खिलाने वाली थी ना? हाँ हाँ चलो। वो अपने बच्चों को आइसक्रीम खिलाने ले गई। भैया आपने मुझे पूछने क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैं जानता हूँ कि अम्मी के पास पैसे नहीं हैं, और अगर हम पटाखे की बात करेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? पता नहीं। तुम दोनों की क्या खसुर पुसुर चल रही है? कुछ नहीं अम्मी, हम सोच रहे थे कि दिवाली हम कैसे मनाएंगे। बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे बच्चों। सच में? हाँ दिवाली में तो सेठ जी बोनस देंगे, पैसों से हम बड़े धूमधाम से दिवाली मनाएंगे। ये बात सुन के दोनों बच्चे बहुत खुश थे। रात में सोते समय वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। मैं तो रॉकेट लूंगा रॉकेट। मुझे तो फूलझड़ी पसंद है और चरखी भी। इस साल हम लोग सब कुछ लेंगे। हाँ हाँ लेना, पर अब दोनों सो जाओ, बहुत रात हो गई है। दोनों बच्चे दिवाली में पटाखे जलाएंगे ये सोच के ही उत्सुक थे। खैर समय अपनी गति से चलता रहा। जया काम पर जाती रही और दिया और किशोर स्कूल। दोनों बच्चे अक्सर पटाखों की बात किया करते थे। आखिर दिवाली आ ही गई। जया खुशी खुशी सेठ जी के घर काम करने गई। जया के दिमाग में बोनस चल रहा था। जया ने अपना रोजाना का काम खत्म किया। सेठ जी सारा काम खत्म हो चुका है। अच्छा है जया बहन, ये मिठाई लेकर जाना अपने बच्चों के लिए। ठीक है सेठ जी। जया का पूरा उत्साह चला गया। वो सोच रही थी कि इस दिवाली में बोनस मिलेगा, लेकिन सेठ जी ने तो उसे कोई बोनस दिया ही नहीं। जया निराश हो गई। वो सेठ जी के घर से बाहर निकली। अब बच्चों को क्या बोलूंगी, वो बच्चे तो पटाखों के सपने देख रहे हैं। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि उनके लिए उनके पसंद के पटाखे खरीदूं। निराश जया घर पहुंची तो बच्चे समझ गए कि कोई तो बात है। क्या हुआ अम्मी? सेठ जी ने बोनस नहीं दिया तो अब पटाखे? अम्मी तुम फिक्र मत करो, हमें पटाखे नहीं चाहिए। पर बेटा वैसे भी माँ हम पटाखे जलाकर क्या कर लेंगे। किशोर बहुत समझदार था, पर दिया बहुत ही मासूम थी। वो जानती थी कि उसकी अम्मी के पास पटाखों के लिए पैसे नहीं हैं, पर फिर भी उसे पटाखे चाहिए थे। अगले दिन दिवाली थी, गली के सारे बच्चे पटाखे जला रहे थे। ये देखकर जया के मन में ख्याल आया,
मैं बच्चों के लिए एक दो पटाखे तो खरीद ही सकती हूँ, वरना ये बेचारे बहुत उदास रहेंगे। दिया, तुम रंगोली खत्म करो और किशोर, सारे दिए जला दो, मैं अभी आती हूँ। जया घर से बाहर गई। उसने पटाखों की दुकान से दो फूलझड़ी, फूलझड़ी का बॉक्स और दो फुवारे खरीदे। इससे ज्यादा मेरे पास पैसे नहीं है। वो पटाखे लेकर जया घर पहुंची। किशोर, दिया। जया ने एक फुवारा दिया को दिया और दूसरा फुवारा किशोर को। ये फूलझड़ियां भी तुम आपस में बांट लो। वो पटाखे देखकर दोनों बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ गई और पटाखे लेकर घर के बाहर गए। किशोर ने एक फूलझड़ी जलाई। जया अपने बच्चों को पटाखे चलाते देखकर खुश थी। पहले मैं जलाता हूँ और फिर तुम जलाना। ठीक है। किशोर ने अपने फुवारे को फूलझड़ी से जलाया। रोशनी की बौछार हुई। दोनों बच्चे खुशी से नाचने लगे। वो रोशनी सुनहरी हो गई और जमीन पर बहुत सारे पटाखे गिरने लगे। अम्मी अम्मी, तीनों असमंजस में थे। बच्चों ने सारे पटाखे जमा किए। अब हमारे पास बहुत सारे पटाखे हैं। हाँ, पर वो पटाखा जरूर वो जादुई पटाखा होगा। एक काम करो, तुम अपना फुवारा भी जलाओ। ठीक है। दिया ने अपना फुवारा भी जलाया। इस बार भी फुवारे से रोशनी निकली और रोशनी सुनहरी रोशनी में बदल गई। और इस बार फुवारे से सोने के सिक्के गिरने लगे। फुवारा जलना बंद हुआ तो जया ने जमीन पर पड़ा एक सोने का सिक्का उठाया। ये तो सोने का सिक्का है, हे मालिक। जया की आंखों से खुशी के आंसू टपकने लगे। जादुई पटाखे से मिले हुए सोने के पैसों से जया के परिवार की परिस्थिति बदल गई। अब वो गरीब नहीं रहे। अब जया भी काम वाली का काम नहीं किया करती थी और अब दिया और किशोर अपनी मनचाही चीज खरीद सकते थे। उन्हें पैसों की सोचने की जरूरत नहीं थी। जादुई पटाखों ने जया के परिवार की किस्मत बदल दी।